Ρε σουνό! Ρε σουνό ήχο, εγώ μέρα καλά τσέσμα κάνα, dark glasses. Μην λέει ρε. Σουνό ήχο! Ω... Ας γάρ με μέρη κουί σουντά είναι. Σέχερ σε αμπουλάτε ρε γέγγε, ορ μέρα μπάσα σουντή ρε. Να ही ढूंढता हूँ। वो कहाँ गया इनका काला चश्मा? सुन रही हो? ओ बर्बीता, वो और क्या सोचती थी पांडव? ओए! पागल हो गया पाजी? सोना हूँ मैं। ओ बीरे अंकल का काला चश्मा घूम गया। उठ जरा हेल्प कर ढूंढने में। मैं क्यों मदद करूँ? तू उठाए तू जा। मैं सो रहा हूँ कुन्ने। पर अब तो तू उठ गया है ना ब्रो? मैं उठा नहीं हूँ, तूने मुझे उठाया है, तो तू जा। बस कर रहा था, चला मदद करा त्यांना। दोघा मिळून शोधा त्यांचा चष्मा, चला। ते पिन्ने मंदले वन इन्ने कुंडो वाली शल्यो इले रंडे रे पैंता वन अबे अंकल का बॉबल देखा है घूम गया हाँ रियांग अंडर नू उरे पहले मॉडल ग्लास ले अमित जोड़ नेंगल के बेटे ने बोलता पुतिये मॉडल ले ग्लास वेके पड़े आचने आचने कुरे ग्लास ले उन्दा दे दूँ इन्दे ग्लास वेके पड़े इदा इल्ले इदा ये चीटिंग हुआ ना जब भी मैं कंफ्यूज होता हूँ आप दोनों लैंग्वेज बदल के मुझे और कंफ्यूज कर देते हो अंकल जी भाई भाई अंकल जी ये टक कटड़ो तलपी रूपो गल दो एंगा वाली वो काला चचमा नहीं मिल रहा बाथरूम में तो नहीं आया अरे ये बाथरूम लोग नीले रात ले दो इनका कल जोड़े कहीं दोस्त नहीं मामा अंकल जी के काले चश्मे हो गए देखा ऑलरेडी कल जोड़े तो ना नहीं नोट ली ब्रो वो तो नहीं उड़को हमें ना नोट दिली मुझे मामा क्यों बना रहे आज अरे ছেলে দুটো তো মাথা খারাপ হয়ে গেছে একজন এসে একটা প্রশ্ন করছে পরের জন এসে সেই একই প্রশ্ন করছে আপনি এই সানগ্লাসটা কোথাও দেখেছেন না ഇല്ല കണ്ടില്ല അഞ്ചു മിനിറ്റ് മുമ്പ് അദ്ദേഹം ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ കുണ്ടി বসে চা খাচ্ছিল এখানে ആ সানগ্লাসസ് ഇവിടെ ഇവിടെ ഇല്ല ഇനി ആ കണ്ണാടി കണ്ടുപിടിക്കാൻ എനിക്ക് എന്താ കണ്ണാടി ഹലോ तुम छोड़ो मैं दे दूंगी अरे भाभी ये लीजिए अरे यहाँ पहले एक बात क्लियर कीजिए थैंक यू काला चश्मा अभी क्यों चाहिए आपको ये धूप का चश्मा मुझे इसलिए चाहिए था क्योंकि अब मुझे ये चाहिए नहीं कुछ दिनों घर के बाहर तो जाना नहीं है ना इधर उधर पड़ा रहेगा तो खो जाएगा तो फिजूल में आप सब लोगों को ढूंढना पड़ेगा अब क्यों आप सबको तकलीफ दूंगा तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस फिल्म को बनाने में हम सब में से कोई भी अपने घर के बाहर नहीं निकला जितने भी कलाकार आपने देखे सब अपने प्रांत अपने शहर अपने घर में थे और वहीं पर शूटिंग की कोई भी घर से बाहर नहीं निकला आप भी घर में रहिए बाहर मत निकलिए क्योंकि तभी आप इस खतरनाक कोरोना बीमारी से सुरक्षित रह पाएंगे घर में रहिए सुरक्षित रहिए स्टे होम स्टे सेफ इस फिल्म को बनाने के पीछे एक और मकसद है हमारे देश का फिल्म उद्योग एक है हम सब एक परिवार है लेकिन हमारे पीछे एक और बहुत बड़ा परिवार है जो हमारे लिए काम करता है वो है हमारे वर्कर्स और डेली वेज अर्नर्स जो इस लॉकडाउन की वजह से संकट में है हम सब ने मिलकर स्पॉन्सर्स और टीवी चैनल के सहयोग से धनराशि इकट्ठा की और इस संकट की घड़ी में ये जो धनराशि है वो हम देश भर के फिल्म उद्योग के वर्कर्स और डेली वेज अर्नर्स को राहत के तौर में देंगे सो डोंट बी स्केयर्ड Don't panic. Be safe. This too shall pass. Tal jayega. Ye sankat ka samay. Dhanyawad. Namaskar.